بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونحمدك يا ربنا على نعمة الإسلام حمدا وشكرا لك على نعمة الإيمان والحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على نعمة الأمن في البلاد والأمان والحمد لله على مجالس الذكر والإيمان والحمد لله على نعمة العلم والعرفان والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا ثم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنه المحياء والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال ونعوذ بك من الماثم والمغرم اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال अल्लाम मैल रामाबन बाद हम दो सलाद के अज़ीज़ साथियों दीनी भाइयों गुज्तः कल हमने आपको ये बताया था कि बहुत जल्द कुछ तमहीदी दुरुस के बाद सही बुखारी की किताबुल फितन के अहदिस की शराह शुरू करेंगे उसी सिलसिले के कुछ तमहीदी दुरुस हैं जिसमें फितने का लगव माना और मफहम फितने का आम इस्लामी तस्वूर और मफहम और फ़ितन के अनवाह और अकसाम बताने के बाद चंद मौजूदा और गुज्त बड़े बड़े फितनों के तल्ल से कुछ अहम तस्करे करने के बाद सही बुखारी की की अहदिस का शरह का आगाज़ होने वाला है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह रहा ने जैसा कि मैंने आपको बताया उम्मत मुस्लिमा को फ़ितनों से आगाह करने के लिए अपनी सही बुखारी में एक मुस्तकिल किताब किताबुल फितन के नाम से लिखा है उसमें फितनों से मुतलक एक सौ एक का इंतख किया है जिनमें से इक्यासी हदीसें मुकर हैं सही बुख़ारी के मुख्तलिफ किताबों और अवाब में उनका तज़क़रा आया हुआ है और इक्कीस हदीसें ख़ालिस हैं यानी गैर मुकर्र हैं मरफू हदीस के अलावा मुख्तलिफ़ कराम से तबिन एदाम से पंद्रह आसार भी उन्होंने किताबुल फितन में ज़िक्र किए हैं और किताबुल फितन में अट्ठाईस अवाब उन्होंने कायम किए हैं कायम किए हैं और उन अबाब में फितनों के इसबाब उनसे बचाव की तदबीर को उन्होंने बयान किया है इन हादस से पता चलता है कि बैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बहुत से फितनों के मुतलिकबल अज़ वक्त आगाह कर दिया था अपने साहब कराम को फितनों के दौर में सब्राम की तलखीन भी फरमाई थी बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कायम आयम करदीन बहुत ही अहम हैं और उनके जब शरा का आगाज़ होगा तो आपको पता चलेगा कि कितनी बारीक बीनी के साथ दिक्कत नजरी के साथ उन्होंने इन हादिस का इंतखब किया है और उम्मत से इन फितनों को उम्मत को इन फितनों से आगाह करने की कोशिश की अल्लाह उनके कबर को नूर से भर दे और हमें और आपको दौर हाजिर के तमाम फितनों से अपने हिफ, अपनी हिफाजत व पनाह में रखे अजीज साथियों गुज्त दरस में बहुत सारे फितनों के ताल्लुक से आपके सामने बातें रखी गई थी शिरको बुतपरस्ती का फितना खतमान हक का फितना हक़ को बातिल के साथ खलत मलत करके पेश करने का फितना, माल मालो दौलत का फितना आलोलाद और, और बीवी बच्चों का फितना जहाज़ से लापरवाही का फितना और औरत और फहाशे और बेपर्दगी का फितना नफसानी ख्वाहिशा का फितना शुकु को शबहत का फितना सोशल मीडिया का फितना सोशल मीडिया के नुकसान और उसके फितने के ताल्लुक से एक मुस्तकिल दर्स बीजिन किताबल फितन की शरह से पहले आप सुनेंगे अगर अल्लाह ने ज़िंदगी बाकी रखी तो इन शहजीद इस्लामी मुल्कों में बदमनी का फितना मुसलमानों की फरका और ग्रोहबंदी का फितना, इनकारी नबूवत का फितना, इनकारी ख़ा व कदर का फितना, इनकार बार ताली बार ताली का फितना दहशतगर्दी का फितना मुदैन नए नए मुदैन नबूवत का फितना, कादियानियत का फितना नबी अक्रम सल वसलम की शान में गुलू का फतना ऊँची ऊँची फलकबोस इमारतों की तमीर का फितना फतना मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से गफलत का फितना गुमराह फ़िरकों की बिदात मकफरा का फितना दीन इस्लाम से इतदाद का फितना खुदकश हमलों का फितना तकफीरी फतवों के नतीजे में कम अकल जाहिल ना तजर्बाकार जद्बाती कस्म के ालिम हुकमरानों का फितना जना और वसायल व जना के इंतशार का फितना, हर तरफ फसादात, कत्लो गारत गरी का फितना, हर जगह रफ इल्म और जहालत के दौ दो दौरे का फितना इबाहियत जिद्दत पसंदी और रोशन ख्याली का फितना मुल्क गिरी और कुर्सी की हवस का फितना ज्यादा बुढ़ापे का फितना, तकफीर का फितना किताबत की रोशनी में तहरीक आज़ाद फ़िक्र के मुकाबले में राय और क्यास का फितना मुस्कबिल में बैन अवी फितना गर दाल का फितना अलरस बहुत से फितने हर दौर में मौजूद रहे और आज के दौर में भी आज का दौर भी ये फितनों से भरा हुआ दौर है बहरकब साथियों आप, साथियो, आप सबको इन फितनों से महफूज रखे और मुझे और आपको हर बला से महफूज़ रखे मुसलमानों की फ़िरका वारीत और गुरोहबंदी का भी फितना एक बहुत बड़ा फितना है जिसने उम्मत को टुकड़े टुकड़े करके उसके बुनियादों को खोखला करके रख दिया है वो उम्मत जिसका अल्लाह एक है जिसका नबी और रसूल आखिरी नबी और रसूल भी एक है जिसका कुरान भी एक है जिसका किबला भी एक है जिसकी शरीयत और जिसका दस्तूर भी एक है जिसका नफ़ा भी एक नुकसान भी एक है जिसका हर में पाक भी मक्का मदीना एक हैं तो इतने सब कुछ वहदत के असब और वसाइल के बावजूद आज ये उम्मत टुकड़ों में बटी हुए आज ये उम्मत मुतद फ़िरक़ों में बढ़ चुकी है हर फ़िरका खुल्लु हज़बिन बिमा हिम फरी़ोन का मजदाक बना हुआ है हर एक अपनी खुशफहमी में मुबला है कि हम ही हक पर हैं हर ग्रह के पास जो कुछ है वो उसी में मगन है आमदुन्नासामनास बड़े हैरान और परेशान हैं कि वो किस ग्रोह में शामिल हों किस में शामिल ना हों वो नहीं जानते कि किस ग्रह का मनहज सही है और किसका गलत है कौन सा ग्रोह हक़ पर है कौन सा बातिल पर है तो ऐसे फितने के दौर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी और आपकी रहनुमाई फरमाई है तरक्तफी खुम अमरीन लन तबी मा इन तमस्क तुम बेहि किताब अल्लाह व सुन्नत व सुन्नति मेरे उम्मत के लोगों सुन लो मैं तुम्हारे पास दो बेहतरीन चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत इनको थामे रहोगे मजबूती से पकड़े रहोगे इस इन पर अमल करते रहोगे इख्तलाफ की सूरत में उनकी तरफ रजू करोगे तो कभी ग्रोह बंदी के फितने में तुम मुब्तला नहीं होगे तो ग्रोह बंदी का फितना नहाय संगीन फितना है बाज़ फितने ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी हयात मुबारकाही में ख़बरदार किया था کہ میری امت میں انتہائی سنگین اور خطرناک فتنہ واقع ہوں گے جن میں لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے صحیح مسلم کے ایک روایت میں اپ نے فرمایا حضرت ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں بادرو بالاعمال فتنا کقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ये भी अदीन हो बे आर उदमिनत दुनिया तुम उन फितनों से उन फितनों के आने से पहले पहले जल्दी जल्दी आमाल साल कर लो जो तारीख़ रात के टुकड़ों के मानंद होंगे इन फितनों के दौर में एक शख्स सुबह के वक्त अगर मुसलमान होगा शाम होते होते उस दिन का सूरज गरूब होने से पहले पहले काफिर बन जाएगा शाम के वक्त अगर कोई मुसलमान है तो सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले वो कुफर कर बैठेगा और अपने दीन को दुनिया के सामान के बदले बेच डालेगा दुनिया के बदले में दीन को बेच डालेगा ईमान को बेच डालेगा को तबाह कर लेगा तो आज का ये दौर इंतहाई संगीन तरीन कस्म के फितनों का दौर है आज ईमान आदमी का ईमान उसका अकीदा उसका उसका अखलाक बहुत सारे नए नए फ़ितनों की वजह से ख़तरे में घिरा हुआ है एक हदीस में प्यारे नबी वसल्लम जिसमें जिसके राविया हैं हजरत हज़रतम सलमल् तब बयान करती हैं कि एक मरतबा नबी अक्रम सल्लम रात को इंतहाई घबराहट आलम में बेदार हुए आपने फ़रमाया सुफान अल्ला मदा अनु मिनलिन व मदा अनफ़ित जुबी अल्लाह ताला ने कितने खजाने आज नाजिल किए हैं और कितने बड़े बड़े फितने नाजिल किए हैं उसके बाद आपने इन फितनों से बचाव के लिए फ़रमाया मूद शवाहबल हजरात युरीद अजवा जाहो लिखे सलिन और बख्यासीतिन फि दुनिया आरीत फिल आखिरा कौन है जो हजरे वालों को यानि आप की बीवियों को जाके जगाएगा ताकि वो उठ के नमाज़ पढ़ लें दुनिया में बहुत से लिबास पहनने वाली औरतें आखिरत में बरहाना होंगी इस हदीस से मालूम हुआ कि फितनों से बचने के लिए आदमी इबादत का अगर अहतमाम करे तो अल्लाह ताला की पनाह में आ सकता है महफूज रह सकता है फ़ितों के दौर में कसरत से इबादत में अगर अपने आप को मसरूफ़ रखे तो आदमी फितनों से महफूज रह सकता है अज़ीज़ साथियों क़यामत से पहले ऐसे ऐसे, ऐसे फितने वाक़ होंगे जो गर्मी के मौसम में चलने वाले हवा के तेज़ तूफ़ानी आंधियों की तरह आएंगे। वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। उनमें से बाज़ फितने ऐसे होंगे जो समंदर की मौजों की तरह ठाटे मारते हुए आएंगे हर चीज़ को अपने साथ बहा ले जाएंगे इन फितनों के दौर में हक और बातिल का इख्तलात इस अंदाज से होगा किसी को पता नहीं चलेगा कि हक क्या है और बातिल क्या है उनमें दिलों को बुरी तरह से झंझोड़ा जाएगा वो तारीख़ रात के टुकड़ों की तरह आएंगे जिनमें कुछ दिखाई भी नहीं देगा एक शख्स इन फितनों के दौर में सुबह के वक्त मुसलमान होगा तो शाम तक वो काफिर हो जाएगा शाम के वक्त अगर वो मोमिन था तो सुबह तक वो काफिर हो जाएगा अल्लाह ताला मुझे और आपको इस कस्म के फितनों से हमेशा महफूज रखे अल्लाह मेरे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए अज़ीज़ साथियों दीनी भाइयों परदानशीन ख़वात फितने ये हमारे और आजमाइशें इंसानी ज़िंदगी का लाजिमा हैं और इनके ज़रिए से अल्लाह ताला बाज़ फितनों के ज़रिए से अहले ईमान की आजमाइश भी करना चाहते हैं क्या ये ईमान पर साबित क़दम रहते हैं या ईमान को छोड़कर कुफर की तरफ पलट जाते हैं अल्लाह ताला का फरमान सूरह कबूत में मीम, अलफलाम असिबन्नास्यूकआमन्ना वहफ्तनू वल फतदीन फ़ल्लामन्दी सदक वलमन्नखादिबीन क्या लोगों ने यह गुमान कर लिया है ये ख्याल कर रखा है कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि हम ईमान ई मान लाएँ यमन्नाफ्तन तो ला उन्हें छोड़ दिया जाएगा उनकी आजमाइश नहीं होगी ऐसा नहीं वलकदफ़न्दीन बिन कबिल हालाँकि हमने उन उन लोगों को भी आज़माया था जो उनसे पहले थे फल आलमल्ल्दीन सदकमीन अल्लाह ज़रूर ये तमीज़ करना चाहता है कि उनमें से सच्चे कौन है और झूठे कौन सही बुखारी में इस एक हदीस इमाम बुखारी ने हज़रत खबाब से रिवायत फरमाया नक़ल फरमाई है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज्त उम्मतों को किस तरीक़े से आज़माया गया था कड़ी आजमाइशों से उनको गुज़रना पड़ा था اسكت تعلق لقصه اقايفر ما خباب اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسط برده وهو في ظل الكعبه وقد لقينا من المشركين شده فقلت يا رسول الله الا تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه وقال لقد كان من قبل من قبلكم لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار بمشاط ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله وفي روايه والذئب على غنمه يحديث صحيح بخاري كتاب مناقب الانصار باب ما, ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من المشركين بمكه نبي, نبي أكرم صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام من المشركين کے ہاتھوں جن مشكلات كا کیا تھا اس باب ذكر فرمايه सदीस का तर्जमा ये मेरे भाइयों और बहनों हजरत बिन आरत बयान करते हैं कि एक मरतबा मैं पैर नबी अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ उस वक्त काबे के सयब में एक चादर पर तकिया लगे लगाए बैठे थे उस जमाने में हम मशरक़ों की तरफ से सख्त तरीन तकलीफ़ें उठा रहे थे मैंने आप सला वसलम से अर्ज़ किया अल्लाह के नबी आप अल्लाह ताली से दुआ क्यों नहीं फ़रमाते ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया छोड़कर सीधे बैठ गए आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुमसे पहले ऐसे लोग गुज़र चुके हैं कि एक शख्स के गोश्त और पट्ठों में हड्डियों तक लोगों की कंगियाँ चलाई जाती आ, लोहे की कंगियाँ चलाई जाती थी एक शख्स के गोश्त के एक शख्स के गोश्त और पठों में हड्डियों तक लोहे की कंगियां चलाई जाती थी मगर यह आजमाइश उसे उसके दीन से नहीं फेरती थी और एक शख्स के सर की चोटी पर आरी रखी जाती थी फिर उसे दो टुकड़ों में चीर दिया जाता था मगर यह आजमाइश भी उसे उसके दीन से नहीं फेरती थी और अल्लाह अमर को यानी इस दीन को मुकम्मल और पूरा करके रहेगा यहाँ तक कि एक सवार अपने सवारी पर बैठ कर यमन के शहर शाना से हज़र मौत की तरफ अकेला सफ़र करेगा और उसे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं होगा मेरे दीनी भाइयों और इस्लामी माँ और बहनों अल्लाह आप सबको खुश रखे और हर कस्म के फितनों से महफूज रखे जब कोई फितना दर आता है तो वो किसी को तमीज़ नहीं करता सबको अपने लपेट में लेता है नेक हो या बुरा इल्ला मन रहिम रब्बी और फिर कल कयामत के दिन सबको उनकी उनकी नियतों के मुताबिक उठाया जाएगा सूरह इमाम बुखारी ने पहला जो बाब क़ायम किया है उसके तहत अनफाल के आयत नंबर 25 का तस्करा किया है और वायत यह है व तको फित्ला खासा वमल्ला शदीदल और तुम लोग उस फितने से डरते रहो जिसका असर तुम में से सिर्फ़ालमों तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि सबको अपने लपेट में ले लेगा और जान लो कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है प्यारे नबी सल्ला वसम ने अपनी उम्मत को फ़ितनों से डराया आप अलैहि वसल्लम ने फरमा आगा फरमाया कि एक वक्त आएगा जब एक मुसलमान अपने दीन को फितनों से महफूज रखने के लिए बचाने की खातिर पहाड़ों की चोटियों पर जाकर ज़िंदगी गुजारना पसंद करेगा सही बुखारी की ईमान की हदीस नंबर उन्नीस में हजरत अबू सईद खुद्र की रिवायत है قال قال رسول الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن هذا ابو سعيد الخدري بيان كرتين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايه وهو قريب ہے जबकि मुसलमान का सबसे माल उसकी बकरियाँ होंगी जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दिन को बचाने के लिए भाग भाग जाएगा यानि अपनी बकरियों को लेकर वो पहाड़ों की चोटियों पर बारिश के नाजिल होने के जगहों पर चला जाएगा पानी पानी की तलाश में इसी तरह सही बुखारी में एक और रिवायत है हज़रत अबू इस हदीस के रावी हैं قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجا او معادا فليعوذ به إن قريب فتنه ظاهرهنجي जिनमें बैठने वाला शख्स खड़े होने वाले शख्स से बेहतर होगा और खड़ा हुआ शख्स चलने वाले से बेहतर होगा चलने वाला शख्स दौड़ने वाले शख्स से बेहतर होगा यानी जो शख्स जितना इन फितनों से दामन बचाएगा उतना ही उसके लिए बेहतर होगा जो शख्स उनकी तरफ झांकेगा उनमें मुलवस होगा उसे वो फितने पछाड़ देंगे जिसे कोई पना मिल जाए तो ज़रूर उसमें पनाह ले ले तो मालूम ये हुआ कि फितनों के दौर में जितना मुमकिन हो सके आदमी को फितनों से दूर भागना चाहिए फितने की जगहों से बचना चाहिए फितने के वसाइल और इसबाब को इखत, फितनों से बचने के वसाइल और इसबाब को इख्तियार करना चाहिए फितने से बचाव की तदबीरें इख्तियार करनी चाहिए अल्लाह आपके और हमारे दीन ईमान को सलामत रखे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी हजरत मिगदाद बिन अस्वद कहते हैं आई अल्लाह की कसम मैंने यह हदीस अल्लाह के नबी से उन्होंने कसम खा के कहा समीअतु रसूल अल्लाह यकूल मैंने अल्लाह के नबी को ये फरमाते हुए सुना है इन्ईद जुन्बल्फिताद जुन्बल्फिताद फितन वलमन अब तबर फवााहन खुश नसीब है वो शख्स जो फितनों से बचा लिया गया खुश नसीब है वो शख्स जो फितनों से जिसको बचा लिया गया खुश नसीब है वो शख़्स जिसको फितनों से बचा लिया गया जिस शख़्स को फितनों में मुबला किया गया उस पर इंतहाई अफसोस है हाँ अगर वो सब्र करता है तो अल्लाह ताली उसके सबर के बदले उसको महफूज रखेगा अजीज साथियों आइए अब हम आपको फितनों से बचने के कुछ असबाब और वसाइल बताते हैं कुछ उसूल और तदबीरें भी बयान करते हैं ताकि आप और हम उन वसायल और असबाब को इख्तियार करके उन उसूलों और तदबीर को इख्तियार करके फितनों से बचने की कोशिश करें अल्लाह ताला मुझे और आपको हर कस्म के जाहरी और बातिन फ़ितनों से महफूज रखे फितनों से बचने का सबसे पहला जरिया पहला वसीला पहला सबब पहला उसूल या पहली तदबीर आप कहें वो है अल्लाह की पनाह तलब करना खुसूसी दुआओं का अहमाम करना दुआओं के कबूलियत के अवक़ का अवकात का इंतखाब करना दुआओं के कबूलियत के अहवाल का की रियायत करते हुए उसके मवाने से बचते हुए अल्लाह ताला से अपना ख़ास ताल्लुक जोड़ना फितनों से महफूज रहने का एक अहम तरीन अमल अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करना भी अल्लाह के हदूर इंतहा आजजी और इनकी सारी से दुआ की जाए कि वह हमें हर कस्म के ज़ाहरी और बातिन फितनों से महफूज रखे हर वक्त पर आपके ज़ुबान पर लाइन एदबिनफ़ित माँ वाह मिनह व वा मा बतन ये वजीफ़ा जारी रहना चाहिए ये दुआ जारी रहनी चाहिए और जब बंदा खलूस के साथ इंतहा आजिज़ी और इनकसारी के साथ अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाता है अपनी दरख्वास्त रखता है तो यकीन अल्लाह ताली उसे हर वक्त फ़ितनों से महफूज रखते हैं और जो इंसान अल्लाह ताली से फ़ितों की पनाह मांगता है अल्लाह ताली उसे ज़रूर पनाह देते हैं ऐसे आदमी को अल्लाह कभी रसुआ नहीं करते जो अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक गहरा करता है उससे हमेशा दुआ करता रहता है उसी का फ़रमान है कि इबाद फ़नी खरीब उजीबुदात जान फल तजीबोली वनबीमशद जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें ए नबी आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो आप उन्हें बता दीजिए कि बिलाशुबा मैं उनके बिल्कुल करीब हूँ जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ यानी उसकी दुआ को कबूल करता हूँ उन्हें भी चाहिए कि वो सिर्फ़ मुझसे फ़रियाद करें मुझ पर ईमान लाएँ ताकि वो हिदायत पाएँ लाशुदूम नबी अकरम अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर हमें एक दुआ पढ़ने की तलकिन फरमाई है अल्लाम अवदबिनफ़तान माँ गमिन उमा हाँ बतान मैं फितनों से तेरी पनाह मांगता हूँ खा वो फितने जाहिर हों या पा पोशीदा हों ऐसे फितने हों जिनका हमें पता भी नहीं चलता तो साहब कराम भी ऐसे मौके पर अल्लाह की पनाह मांगते थे हज़रत उमर ने एक मरतबा प्यार नबी सल्ला वसम के साथ अल्लाह ताल से फितनों की पनाह मांगी थी इसी तरह हज़रत अमार के मतलब में भी हैजरत अम्मा के मतलब भी हदीस में है कि वो भी फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते थे हर मुसलमान को फितनों से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह तलब करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है जो इन फितनों से हमें बचा सके हज़रत सकेरत जैद रदी अल्लाह ताल बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तअव्वदु मिनल फितन मा तउविल्लामिनफ़ित महरमिन उमा वतान लोगो फितनों से अल्लाह की पनाह तलब करो उनमें से जो ज़ाहिर हों जो बातिन हो उनसे भी फितनों से अल्लाह की पनाह तलब करो चुनाच साहब कराम ने कहा नऊदबिल्ल अमिनफ़ा माजाह मिनावता हम तमाम फितनों से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं उनमें से जो ज़ाहिर हों उनसे भी जो बातिन हों उनसे भी ये रवायत सही मुस्लिम की है ख़ुद प्यारे नबी सल्ला वसलम को अल्लाह ने इस बात की तालीम दी जाम तिरमिज़ी की एक रिवाज जिसको शेख अलबानी रहा आने सही कहा है या महमद इदा सफुल

वहीदारत तबी इबादी का फितना जब तो अपने बंदों को फितने में मुबला करने का इरादा करे फ़कबिन का गैर मफतून मुझे इसमें मुबला किए बग़ैर मेरी रुह को कब्ज़ कर लेना तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताली की प्यार नबी सल्ला व्म को तालीम थी कि आप सला व् भी फ़ितने से बचने के लिए अल्लाह से दुआ किया करें तो मुझे और आपको कितनी दुआओं की शदीद ज़रूरत है आप इससे अंदाज़ा लगाएँ हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि उन्होंने फर्मा कहा तकून तक फ़ितन तलायन जी मिनाहा दुआ उनका दुआ अलकर मुसनबिन मुसनफ़ इबनबी शैबा की ये रिवायत है जब फितना वाक़ होता है तो उससे ऐसी दुआ ही नजात दिला सकती है जैसी दुआ पानी में डूबने वाला दुआ करता है तो वो किस कदर अखलास के साथ क्योंकि सारे सहारे उसके सामने टूट जाते हैं उम्मीदों का सा, उसके सामने कोई उम्मीद का सहारा नहीं होता बचने के सिवा अल्लाह की ज़ात के तो वो किस कदर अखलास के साथ अल्लाह से दुआ करता है उसी तरह से अखलास के साथ की जाने वाली दुआ फितनों से बचा सकती है ये हजरत हुरैरा से मरवी सदीस से मालूम हुआ मालूम हुआ कि फितनों से बचने के लिए इखलास के साथ दुआ के कबूलियत के इसबाब वसाइल और दवाई को इख्तियार करते हुए कबूलियत के अवात को कि जस्तजोर तलब करते हुए और मौन इजाबत के का का ख्याल करते हुए उनसे बचते हुए हलाल रज़ का एहतमाम करते हुए हलाल लुकमे का एहतमाम करते हुए हलाल कमाई अलग चीज़ है हलाल तरीके से लुकमे को पेट में दाखिल करना अलग चीज़ है तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल करते हुए हम दुआ के आदाब ज़ाहरी और बातिनी आदाब का लिहाज रखते हुए अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहें कि अल्लाह हम सब को हर क़म के ज़ाहरी और बातिन फितनों से महफूज रखे। अल्लाह महफूज ना महफजना मिनल्फ़ता माजाह मिनहा उमा बतान फितनों से बचने के वसाइल और इसबाब और उसूलों में से एक बेहतरीन असूल अकीद तोहेद पर सबित क़दम रहना भी है फितनों के दौर में एक खालस और तोहद परस मुसलमान को सच्चे अकीद तोहेद पर साबित सबितदमी और मुस्किल मिजाजी से कायम रहना है क्योंकि यही यहीद तोहेद मुसलमान को इस बात की तालीम देता है कि उस पर जो भी आजमाइश आती है जो भी फितना आता है वो अल्लाह के हुक्म से आता है और अल्लाह के कज़ा कदर का एक हिस्सा होता है जिसको बर्दाश्त करना उसे हर हाल में उससे राज़ी रहना हर सूरत में अल्लाह के तरफ रुजू करना फितनों के दौर में अल्लाह ताला से खुसूसी दुआओं के साथ साथ और इस्तिगफार का अहमाम करना ये खालिस माहिद ही का शियार और शेवा होता है सूरह तगाबुन में अल्लाह का फरमान है मा असाबा यहदी मुसीबतिन वल्लाहु कल्ब शैइन अलीम जो मुसीबत भी आती है के केजन से आती है और जो अल्लाह पर ईमान लाए जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया जो ये अल्लाह पर ईमान लाए तो अल्लाह उसके दिल को हिदायत बख्शता है और हर चीज़ को अल्लाह ताला जानने वाला है अल्लाह बिकल्लिसन आलिम मालूम हुआ कि जो मुसीबत भी आती है कि अल्लाह की मशीयत और उसके इज्न से आती है और जब मुसीबत आनी होती है तो उसको कोई टाल नहीं सकता ताला के इस आयत में इस सहाय करीमा में थोड़ा सा गौर करें तो इसमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने इस बात से आगा किया है कि हर आजमाइश और मुसीबत अल्लाह के हकम से उसके इज्जन से ही आती है लिहाजा ऐसे सूरत हाल में अल्लाह ही की तरफ रुजू करना ज़रूरी है जिसके हुक्म से आजमाइश आई है या आती है वही उससे बचाने उससे टालने पर भी कादिर है वह खुलशहीन आलिम इसीलिए अल्लाह ताला ने इसके बाद उसी बात की तरफ इशारा फरमायाम बिल्ला यह कलबा जिस शख्स को अल्लाह पर कामिल यकीन होगा उसके दिल की अल्लाह ताला रहनुमाई करेगा चुनान जब वो जान लेता है कि उस पर आने वाली मुसीबत उससे चूक नहीं सकती जो चीज़ उससे चूक जाने वाली है वो उसे पहुँच नहीं सकती यही यकीन रासिक उसके दिल को मजबूत करता है अल्लाह ताली की तरफ से आने वाली हर आजमाश और मुसीबत को सब्र जब के साथ इस्तलाल मिजाजी के साथ बर्दाश्त करने में कामयाब हो जाता है मालूम ये हुआ कि फितनों से बचने का दूसरा अहम असूल पहला अहम असूल खसूस दुआओं का अहतमाम करना अल्लाह ताला से फितनों से अल्लाह ताला की पनाह तलब करनी है फितनों से बचने के लिए दूसरा अहम असूल है अक़दे तोहेद पर साबित कदमी के साथ जम जाना और अकीदे को शर्क के आलाइशों से बुध कुफर शिर के आलाइशों से बचा कर बिदातों से महफूज रख के सिर्फ़ और सिर्फ खालिस ईमान की बुनियाद पर अल्लाह के रज़ा की बुनियाद पर इबादत में मशगूल रखें दुआओं में अपने आप को मसरूफ़ रखें तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को फितनों से महफूज करते हैं तीसरा अहम मशूल है फितनों से बचने के लिए और सुन्नत रसोल्ला को मजबूती से थामना यानी कुरान और हदीस की पाबंदी करना सुन्नत को मजबूती से थाम लेना और बिदात और ख़ुराफात को नफ़रत की निगाह से देखना ऐसे इंसान के लिए दुनिया और आखरत की कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहम है सतरौना बदी कसीरा तुम मेरे बाद बहुत ज़्यादा इख्लाफा देखोगे ऐसे हालत में क्या करो ऐसे हालात में तुम पर मेरे सुन्नत और मेरे बाद राह हिदायत इख्तियार करने वाले खुलफा राशिदीन की सुन्नत को इख्तियार करना लाजिम है तो मालूम हुआ कि किताब व सुनत को मजबूती से थामना आपने फरमायाब्दा बिन नवाजिज उसे मजबूती से थाम लेना बल्कि जबड़ों में वो दबा लेना खबरदार दीन के मामलत में नए काम इजाद न करना क्योंकि दीन में हर नया काम बिदात है और हर बिदात गुमराही है और सुनसाई के एक रवायत में हर गुमराही में ले जाने वाली है इस हदी से मालूम हुआ कि अख्तिलाफ़ और फितनों के दौर में निजात का सिर्फ यही एक रास्ता है कि किताब सुन्नत को मजबूती से थामा जाए बिदात और खुराफा से हर हाल में बचा जाए ये मुस्न अहमद की रिवायत का खुलासा था तो अज़ीज़ साथियों दीनी भाइयों इस्लामी माँ और बहनों किताब व सुन्नत को मजबूती से थामे रहो तो कभी गुमराही, कभी किसी फितने में आप मुबतला नहीं रहोगे जो शख्स किताबल की तिलावत करता है उसका मुताला करता है उसमें तदब्बर और, और गौर फिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसे हिदायत देते हैं फितनों के अंधेरे से निकाल कर हक़ की रोशनी दिखाते हैं राह हक़ पर उसको गामजन करते हैं सूरह माईदा की आयत नंबर पंद्रह में अल्लाह का फरमान है या अहल يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب तुफ़ून عن كثير قد جاءكم من الله व وكتاب مبين यह दी बु मन तब आ रिदवान यह दी ब्लु मन तब आ रिदुआवान सुबिल व्रिज हमात नूरब इदन व यहदी मिलसरात मस्तकीम तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और ऐसी कित, वाज किताब आ चुकी है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताली उन लोगों को सलामती के राहों की तरफ हिदायत देता है जो उसकी ऱा की इतबा करते हैं और अपने हुक्म से अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ़ ले जाता है सिरात मुस्तकीम की तरफ़ उनकी रहनुमाई करता है जहाँ क़ुरान मजीद के ज़रिए से अल्लाह ताला फितनों के दौर में तों से निकाल कर बिदातों से निकाल कर खुराफा से निकाल कर तोहेद के नूर की तरफ़ ले आते हैं बंदों को सिरात मस्तम की रह तरफ़ रहनुमाई करते हैं यही मामला सुनत रसूल सल्लम का भी है क्योंकि पैर नबी सल्लम ने उमत में इतलाफ़ कसैर के वाकई होने की सूरत में अपनी सुन्नत और खलफ़ राशिदीन के तर्ज अमल पर सख्ती से अमल करने का हमें हुक्म दिया है आप ने सुनः नबू दाऊद की रिवायत में फरमाया जिसको शेख अलबानी ने सही कहां बसन्नती वसन्नतफा और राशिदीन

उस उसे कतान न छोड़ना तुम दीन में नए नए काम ईजाद करने से बचते रहो क्योंकि दीन में हर नया काम बिदात है और हर बिदात गुमराही है तो मालूम हुआ अज़ीज़ साथियों दीनी भाइयों और इस्लामी माँ और बहनों अल्लाह की किताब को पैर नबी सल्ला वसम के की सुन्नत को और खुलफ राशिदीन के तर्ज अमल को अख्तियार करना भी ज़रूरी है उनके दौर में उनके दौर में दौर खिलाफत में मुख्तलिफ फितनों ने सर उठाया अल्लाह के नबी के वफ़ात के बाद सबसे पहला जो फितना सर उठाया वो इरतदाद का फितना था ज़कू़़़़़़़़़़त के इनक ज़क़़़़़़त देने से इनकार का फितना था कुछ लोगों ने कहा हम अल्लाह के नबी के ज़माने में ज़क़़त अल्लाह के नबी को दिया करते थे अब अल्लाह के नबी तो नहीं रहे अब हम ज़क़़़़़़त नहीं देंगे दीन में एक नया फितना था कुछ लोगों ने डर की वजह से ईमान कबूल किया था अल्लाह के नबी के वफ़ात के बाद उन्होंने दीन से मुर्तद़ होकर इस्लाम को छोड़ दिया कुछ नए नए नबोत का दावा करने वाले उठ खड़े हुए तो मुदैन नबूत तो इन सारे फितनों को साहब कराम ने जिस तरह से डट के मुकाबला किया उनके लिए जहादी दस्ते भेजे भेजेम जहाद बुलंद किया और इन फितनों की आग को ठंडा किया यकीन आज के फितनों का मुकाबला करने में भी बहुत हद तक इससे हमें रहनुमाई मिलती है तारे नबी सल्ला वसम ने फरमाया तरक्फीक ममरिन मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ जिनको मजबूती से थामने पर इस बात की पैरिनबी ने उम्मत को गारंटी दी कि गुमराह नहीं होंगे वो किताबुल्लाह और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वदा के मौक़े पर फरमाया था फ़ाक़िलो अय्य्योनास फ़ाक़िलो अय्य्योन्ना कौली फ़इन्नी क़द कदब

व तरक्फी कम मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ मालन तवल्ल बैद हो इन तमस्क तुम भी अगर तुमने उसे मजबूती से थाम लिया कभी गुमराह नहीं होगे वह है अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत इसी तरह एक और रिवायत में जो सहीजामे की रिवायत है तरक् तफ़ी कम शही मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ लन तविल्ल बदमा किताब अल्लाह वसन्नती वलिन तफ़रक हत ये रदा रिदा अल्हौ मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ उनके बाद अगर तुमने उन्हें मजबूती से ताम लिया तो कभी तुम गुमराह नहीं रहोगे एक है अल्लाह की किताब क़ुरान मजीद दूसरी मेरी सुन्नत है ये दोनों कभी जुदा जुदा नहीं हो सकती यहाँ तक कि हाउस पर मेरे पास आएँगे तो लिहाजा मालूम हुआ कि फितने के इस दौर के मुख्तलिफ इतनों से बचने के लिए सिवाय इसके और कोई चारा चाराकार नहीं है कि हम किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से थाम लें उन्हीं से रहनुमाई हासिल करें उन्हीं को अपना ओढ़ना और बिछौना बनाएं, फिर कवराना तसब को तर्क करके अल्लाह की रस्सी से चिमट जाएं खालिस नीयत से कुरान मजीद को पढ़ें उसकी इन, आ, सलफ़ साल की तर्ज़ पर लिखी हुई तबसरों को पढ़ें अल्लाह के नबी के अहदिस के तर्जमे और उनकी तशरीहत को पढ़ें और उनको समझने की कोशिश करें अहल इल्म से रब्त रखें और जो हक ग सलीमुलमनह सलीम अदा सलीम हक गोई और बेबाकी जिनका शेवा है शार है ان کے دروس میں دیں اللہ الله تلاقى فرمان هي آل عمران إمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فَأَصْبَحْتُمْ بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها खदा लिखबैनल आयाति लकम तहतम तुम सब अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम लो फिरक़ो में मत बटो और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे फिर उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी और तुम उसके फ़जल से भाई भाई, भाई बन गए और उस वक्त को याद करो जब तुम जहन्नम के गड़े के किनारे बिल्कुल पहुँच गए थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हें उससे बचा लिया इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम हिदायत पा जाओ मालूम हुआ जहाँ तक हो सके की निजात और अख्तलाफा का जहाँ तक मसलकी निजात और इख्लाफ का ताल्लुक है तमाम अहिल इल्म पर फ़र्ज़ है कि उन्होंने ख़त्म करने के लिए सिदिल से किताबल्ला और सन्नत रसोल्ला की तरफ़ रजू करें जब कभी कोई इख्तलाफ हो जाए कुरान मजीद की तफसरें जो सलफ़ के अंदाज़ पर उनके नज पर लिखी गई हैं उनकी तरफ रजू करें और अल्लाह के नबी के अहदिस की तरफ रजू करें और की भी उसी चीज़ की तरफ रहनुमाई करें अल्लाह ताला का फरमान है सुर निसा के आयत नंबर फिफ्टी नाइन में यादी आ मनु अकेलामरिमिन खुम फैन तनाज आतम फी शईन

अगर तुम अल्लाह और उसके अल्लाह आख, और आखरत के दिन पर ईमान रखते हो यही तुम्हारे हक में बेहतर है उसका अंजाम भी बहुत अच्छा है मालूम हुआ फितनों से बचने के लिए सबसे पहला कदम पहला पहला उसूल, पहला सबब और तदबीर हमारी ये होनी चाहिए हम खूसी दुआओं का अहमाम करें दूसरी चीज़ खालिस अकीदे, अदीद तोहेद पर गामजन रहें तीसरी चीज़ अल्लाह की किताब और प्यार नबी सल वम की सुन्नत का अहमाम करें फितनों से महफूज रहने का चौथा असूल अहले इल्म से ताल्लुक़ है मुझे और आपको फितनों के दौर में अहले इल्म से रबिते में रहना चाहिए क्योंकि इल्म हिकमत और दानाई से मसाइल को सुलझाने की सलाहियत रखते हैं और अनजाम कार पर भी उनकी गहरी नजर होती है क्योंकि हजरात ने दिलीम सिखाने और सि... सीखने और सिखाने में उनका जिंदगी का बेशतर हिस्सा सर्फ वर्फ़ हो... होता है खुद अल्लाह ताला ने भी हमें इस अमर का पाबंद किया है सूर नसा के आय नंबर तिरासी में अल्लाह का फरमान है वहीदा ज अहम अमरमिनमनखूफ أَذَاعُوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم وَرَحْمَتُهُ لاتبعتم الشيطان الا قليلا جب امن امنيا خوف كي کوئی اطلاع ملتی ہے ومشهور کر دیتے ہیں اور اگر ایسی بات رسول الله صلى الله عليه وسلم اور اصحاب امر کے حوالے کر دیتے तो वो उसकी हकीकत को मालूम कर लेते और उसकी तह तक पहुंच जाते अगर तुम पर अल्लाह का फजल उसकी रहमत न होती तो चंदे के सिवा तुम सब शैतान के पैरोकार बन जाते मालूम हुआ फितनों के दौर में अहल इल्म से हमारा गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए उनसे हमें राबता रखना चाहिए उनके दीनी मजलिस में शिरकत करनी चाहिए जब कभी कोई बात हमें समझ में ना आए तो उनसे टेलीफोन के ज़रिए से रबता करके अपने मुश्किल का हल उनके पास उनसे तलब करना चाहिए उनसे रहनुमाई हासिल करनी चाहिए ये भी फितनों से महफूज रहने का एक बेहतरीन असूल है एक बेहतरीन वसीला और सबब है और इस सबब को इख्तियार करने की ज़रूरत है फितनों के से बचने के लिए और भी बहुत सारे असूल हैं आगे दर्स में इन उनको बयान करने की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको हर कस्म के ज़ाहरी और बातिन फ़ितरों से महफूज रखे मेरे और आपके दिन और ईमान को कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह महफजनाबिल्लाम क़ा इमा वजनाबिल्लाम का आदा واحفظنا फज नाबिल्सम का इमीन वफ़ नाबी इस्लाम क़ायदी वह फज नाबी इस्सामक़दीन तो हमारे हर हालत में इस हमारे इस्लाम की हिफाजत फरमा हमारे दीन की हिफाजत फरमा हमारे ईमान की हिफाजत फरमा हमारे अखलाक की हिफाज़त फरमा हमारे आल ओलाद की हिफाज़त फरमा हमको अपने हिफ्ज अमान में रख ले वो सल्ह नबी इना महमद व जजाकमल्ला ख़ैर सुबहानल्माब हमदक اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك